लंगूरों वाला मंदिर। जी हाँ, सही सुना मेरे दोस्तों, ये वही मंदिर है जहाँ पर होती हैं मनोकामनाएं पूरी। जी बिल्कुल, और ये मंदिर है अमृतसर में, यानी कि दुर्गियाना मंदिर अमृतसर। यहाँ पर भक्त दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये मंदिर विशेष तौर पर जाना जाता है बच्चों के लिए। जी हाँ, हनुमान जी को बच्चों से बेहद प्रेम रहा है, ये बात तो सभी जानते हैं। इसीलिए जो भी वरवधु जिनके बच्चा ना हो, वो हनुमान जी के मंदिर में आते हैं, लंगूरों वाले मंदिर में आते हैं और मन्नत मांगते हैं हनुमान जी से कि उनके घर एक बच्चा हो जाए, शिशु हो जाए। जिनको कभी भी ये समस्या हो कि बच्चा ना हो रहा हो, वो इस मंदिर में आते हैं और हनुमान जी के चरणों में अपनी प्रार्थना रखते हैं, फलस्वरूप भेंट भी अर्पित करते हैं और उनकी मनोकामनाएं जब पूरी हो जाती हैं, जो कि होती ही हैं, पक्का पक्का होती हैं, तो ये होता है कि जब नवरात्रे होते हैं तो 9 के 9 दिन उन वर वधु को अपने बच्चे को लंगूर बनाना होता है, ऐसी प्रथा है। लंगूर बना के हनुमान जी के मंदिर में ले जाना होता है, लंगूरों वाले मंदिर में लेकर जाना होता है और माथा टिकाना होता है। ये जो बच्चे होते हैं, ये लंगूर की वेशभूषा में आते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं, खुद भी और अपने परिवार के साथ, और हनुमान जी को धन्यवाद करते हैं और अपने मन की खुशी व्यक्त करते हैं। ये मंदिर बेहद मशहूर है दोस्तों। जिस भी वरवधु को बच्चा ना हो रहा हो, संतान ना हो रहा हो, संतान की प्राप्ति ना हो रही हो, उनके लिए इस मंदिर में आने से उनके सारे कार्य, सारे की सारी समस्याएं दूर होती हैं। ये एक लंगूरों की सेना होती है, अलग अलग सेनाएं बनाई जाती हैं और ये सेनाएं घरों पर भी जाती हैं, घर पवित्र हो जाता है। और अमृतसर में 9 के 9 दिन मंदिर में इतना रश होता है कि पांव रखने की जगह भी मिलनी बहुत कठिन होती है, लेकिन पहुंचने वाले तो पहुंच ही जाते हैं और दूर दूर से पहुंचते हैं। 7 से 8 बजे के समय तो लंगूरों वाले मंदिर में पहुंचने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, आसानी से दर्शन हो जाते हैं कुछ प्रतीक्षा करने पर। ये मंदिर बेहद मशहूर है और यहाँ पर मनोकामनाएं 101% 100 में से 1% ज़्यादा, सही सुना मेरे दोस्तों, पूरी होती हैं। तो आप भी आइए, ज़रूर आइए। अगर कोई भी समस्या हो, आपके घर में कोई संतान ना हो, तो आप इस मंदिर में आएं और अपनी प्रार्थना हनुमान जी के समक्ष रखें और ये 100% श्योर है कि आपकी समस्या पक्का पक्का दूर होगी। आना तो चाहिए, मन्नत मांगनी चाहिए और जब मन्नत पूरी हो जाए तो बच्चे को लंगूर बनाना चाहिए, यही तो बात है। देखिए, जब भी हम भगवान के करीब जाते हैं तो हमारी समस्याएं हमेशा सॉल्व हो जाती हैं, सही हो जाती हैं, यही तो बात है हनुमान जी की। तो चलिए, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट पे लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए उनके साथ जिनको इस वीडियो की सख्त सुनने की आवश्यकता है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।